मेरे चैनल कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ Zudki.com के एक शरारे का रिव्यू। Zudki.com की मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ, उसकी एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड Zudki.com के लहंगों को यूज करके मैंने बहुत सारे मेकअप लुक्स को क्रिएट किया, तो आप एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि जब पूरा लहंगा स्टिच हो जाता है उसके साथ में मेकअप, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, वो जो आउटलुक होता है वो रियल डिफरेंट होता था। आप एक बार जाके देख लेना मेरी मेकअप ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट और Zudki.com की जितने भी लहंगों का मैंने रिव्यू किया उसकी प्लेलिस्ट। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली ना Zudki के लहंगे वगैरह हैं, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी आप उनके ना शरारा देखो, हमारे साथ शेयर करो रिव्यू। देख सकते हो आप, ऑलिव ग्रीन कलर का है, ओपन नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही इसको ओपन करते हैं। वेबसाइट है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको इसकी ऐप नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे कैसे शॉपिंग कर सकते हो, लिंक आपको इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि मेरे को भी इसको ओपन करना है। चलो, पीच कलर है, दिख रहा होगा आपको, पीच कलर है इसका। एंड बहुत हैवी है भाई, मतलब हैवी लग रहा है मेरे को, है ना, हल्का फुल्का सा कपड़ा नहीं लग रहा इसका। जॉर्जेट है बाय द वे ये कपड़ा, पार्टी वेयर है ये, लेकिन हैवी लग रहा है अंदर से, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ऑलिव ग्रीन कलर का। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये दुपट्टा ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसको साइड में कर दूंगी। जॉर्जेट का दुपट्टा है पीच कलर में, पीच और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके सामने ही है, डिफरेंट है और सुंदर वाला कॉम्बिनेशन है। और दुपट्टे के चारों तरफ आपको ये वाली लेस मिल जाएगी, ठीक है, ये देख लो आप दुपट्टा। चौड़ाई इसकी काफी चौड़ाई दी हुई है इसकी यार, लंबाई आप देख सकते हो दुपट्टे की, बहुत लंबाई है यार, तो अच्छी है, अच्छा खासा इन्होंने चौड़ाई और लंबाई वाला दुपट्टा दिया हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। कलर अच्छा है, सुंदर सा डिसेंट सा पीच कलर है दुपट्टे का, कुछ इस तरह का पैटर्न है। लेंथ इसकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, थाई से ये नी से थोड़ी सी ऊपर है, नी तक है ऑलमोस्ट। मेरी हाइट है 5'2", देख सकते हो आप, इस तरह से इसका डिजाइन है, पूरी फ्लेयर वाला है, जैसे अनारकली टाइप्स नहीं होता वैसे है। डिटेल्स अब मैं आपको इसके बताती हूँ, मल्टी कलर का लाइक पिंक, बेबी पिंक और व्हाइट कलर की यहाँ पे कढ़ाई की हुई है, साथ में गोल्डन धागे का भी काम किया हुआ है। गला आपको देख सकते हो, थोड़ा सा इन्होंने ना शेप बनाई, आप इसको नेक को इस हिसाब से आप स्टिच करवा सकते हो राउंड। स्लीव्स कुछ इस तरह की स्लीव्स है, क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला स्लीव्स, आई गेस अम्ब्रेला स्लीव्स, अगर मैं गलत होगी तो मुझे करेक्ट भी कर देना। पूरी स्लीव्स के ऊपर छोटी 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 यहाँ पे कढ़ाई की हुई है, धागे का काम किया है गोल्डन, ठीक है, और पूरा गोल्डन भी नहीं है, गोल्डन सिल्वर सा शेड है इसका, पूरे ये इसके ऊपर भी पूरा ऐसा काम किया, आप देख ही सकते हो आपके सामने ही है। एंड नीचे से आपको ये वाला डिजाइन मिल जाएगा, राउंड 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 वाला डिजाइन आपको मिल जाएगा, जो इसको बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना, नीचे से एकदम फ्लेयर सा सुंदर आ रहा है। इधर भी आपको ये राउंड 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 स्लीव्स के ऊपर डिजाइन मिल जाएगा। फ्रंट आपने देख लिया, पीछे से आप देख लो, पीछे से सिंपल नहीं रखा हुआ इन्होंने, पीछे से इन्होंने पूरा बोला कढ़ाई की हुई है छोटे से ये वाली शेप की, एंड पीछे से भी इन्होंने ये चीज की शेप दी हुई है। गाइस ये बहुत प्यारा वाला पीस है, ट्रस्ट मी बहुत सुंदर लगा मुझे, इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं। अच्छा अंदर लाइनिंग की, तो आपको लाइनिंग लगवाने की जरूरत नहीं, लाइनिंग के पैसे बच गए लाइनिंग लगवाने की जरूरत नहीं आपको, आपने सिर्फ स्लीव्स को, ये देखो खुली हुई है ना, अपने साइज की स्लीव्स को आपने जस्ट स्टिच कराना है। गाइस अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका ये जो शरारा है, ये देख सकते हो आप ऊपर से इलास्टिक लगा हुआ है, और बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने ना प्लीट्स 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 इसकी स्टिच की, ये बहुत भारी है अपने आप में ना, बहुत भारी है। एक चीज है जो मुझे अभी इसकी समझ में नहीं आ रही, मेरी अब टेलर है तो टेलर का काम टेलर ही समझ सकते हैं ना, हम लोग दूसरे को कपड़ा दे सकते हैं या दिखा सकते हैं आप लोगों को। ये ना लहंगे की तरह है, ये पूरा लहंगे की तरह है, बड़ा सा देख सकते हो आप, पूरा ये लहंगे की तरह है, ठीक है। अभी ये शरारा बना नहीं है, तो टेलर के पास जब ये जाएगा वो स्टिच करेंगे इसको शरारे की तरह। इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, साइड में इतना इतना स्टिच किया हुआ है, बाकी का ये ना ओपन है। जिन लोगों के पास शरारा है तो कमेंट डाउन आप लोग कर सकते हो कि इसको कैसे स्टिच करवाना है, बाकी मैं तो अपने टेलर को दे दूंगी, उनकी सिरदर्दी है वो जाने दिया। एंड जब ये स्टिच हो जाएगा इसके साथ मैं मेकअप लुक शेयर करूंगी, तो आपको थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे ये दिखने में बिल्कुल स्कर्ट की तरह है, साइड में इधर साइड में छोटा सा और इधर साइड में छोटा सा स्लिट दिया हुआ है।
अंदर की बात करूं तो अंदर से बिल्कुल पूरा कपड़ा लगा हुआ है आपको, आपको कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी पैसे बच जाएंगे। और जो लाइनिंग का कपड़ा है वो बहुत अच्छा वाला कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है, काटने वाला कपड़ा नहीं है, जैसे होता ना आपकी स्किन को कट करेगा वैसा वाला कपड़ा नहीं है, सूटिंग टाइप का, मतलब ठीक है, जेन्युइन वाला अच्छा वाला कपड़ा दिया हुआ है। और भारी है ये लहंगा, थोड़ा सा ये शरारा लहंगा ना भारी है, आप देख सकते हो कितने सारे इसके अंदर प्लीट्स है, इस वजह से भारी है, कपड़ा ही बहुत लगा हुआ इन्होंने। एंड डिजाइन थोड़ा सा दिखा देती हूं मैं आपको, नीचे से, नीचे से भी इन्होंने इस तरह से कट 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 वाला ऐसे राउंड 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 वाला डिजाइन है, जो नेक के ऊपर है उसी हिसाब पे इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। तो ओवरऑल पीस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अब जब ये स्टिच होगा तो आप लोग के साथ एक मेकअप लुक आएगा, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत प्यारा बनेगा। बाकी आप लोग कमेंट आउट करो अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा वाला है आउटफिट। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कोई चाहते हो कि मैं किसी लहंगे के ऊपर ना रिव्यू वगैरह शेयर करूँ या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर zatki.com के, तो मुझे कमेंट आउट करो। आप मुझे उनका ना कोड होता है, वहाँ पे कोड लिखा होता है ना, मुझे वो बोला कोड लिख दो मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका कोशिश करूंगी रिव्यू शेयर करने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू। मेरी तरफ से आप इस शरारे को जरूर ट्राई करो, इसको बहुत जल्दी मैं स्टिच करवाने वाली हूँ, स्टिच करवा के मेकअप लुक शेयर करूंगी तो और आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक और उनका लहंगा मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत जल्दी उसका भी मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। बाय बाय, लव यू।